नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। बजट आ चुका है, बजट आ गया है और सब अपना अपना गुणा गणित लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर ये बजट क्या बता रहा है, किसके लिए इस बजट में क्या है। आम भाषा में बजट को समझें तो कैसे समझें, युवाओं के लिए बजट में क्या है, महिलाओं के लिए बजट में क्या है, किसानों के लिए बजट में क्या है, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, रोज़गार मिलेगा तो कैसे मिलेगा, टैक्स में रिबेट कैसे मिलेगी, बहुत सारे सवाल हैं। और इन सारे सवालों को अगर आप किसी एक्सपर्ट से समझने जाएंगे तो बहुत सारे ऐसी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जो शायद आम लोगों के समझ में नहीं आए, और इसीलिए आज हम बैठे हैं एक ख़ास मेहमान के साथ। आप फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे, उनसे सवाल करेंगे, लेकिन समझेंगे आसान भाषा में, जो हम आम लोगों के समझ में आ सके ऐसी भाषा में हम उनसे बजट को समझने वाले हैं, क्योंकि बजट आ गया है और मार्केट जो है उसने अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं दिया है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अंशिका त्यागी जी का, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस बजट की बात करें, बजट तो आ गया, लेकिन मैंने जब सबसे पहले किसी से पूछा कि ये बजट कैसा लगा, तो उन्होंने कहा मेरे बजट समझ में नहीं आता। तो कैसे समझेंगे बजट, पहले ये आसान भाषा में? तो अगर मैं बहुत आसान भाषा में बजट को डिफाइन करूँ, तो बजट एक ऐसी चीज़ होती है कि आप अपना कहाँ से पैसा लेकर आएंगे, कहाँ उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे ही गवर्नमेंट का भी, जब एक गवर्नमेंट बजट बनाती है तो गवर्नमेंट ये दोनों तरफ फोकस रखती है कि कहाँ से हम पैसा लेकर आएंगे, जब पैसा होगा तभी वो इन्वेस्ट करेगी। लोग एक तरीके से देखते हैं बजट को कि गवर्नमेंट हमें सिर्फ दे, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि गवर्नमेंट कहाँ से लेगी। देने के लिए गवर्नमेंट को लेना भी पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के मेन दो रेवेन्यू स्ट्रीम होते हैं जहाँ से वो पैसा कमाती है। पहला स्ट्रीम होता है कि वो टैक्सेशन से पैसा कमाती है। तो नॉर्मली क्या होता है, बजट में लोग टैक्सेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उनको लगता है कि हमारे लिए कुछ बेनिफिट नहीं करा। बट अगर गवर्नमेंट सारा बेनिफिट लोगों के लिए करेगी तो वो कहाँ से जनरेट करेगी? तो मुझे लगता है कि बजट को पॉजिटिवली दोनों साइड से देखा जाना चाहिए। सिर्फ अपने लिए मत सोचो, गवर्नमेंट के लिए भी सोचो। लेकिन जब पापा की सैलरी आती है घर में, तो एक तारीख को तो मिठाई आती है ना। हाँ, तो ये मिठाई वाला बजट है कि नहीं, ये बजट कैसा है, ये आपको कैसा लग रहा है ओवरऑल जो बजट पेश हुआ? ओवरऑल मैं अगर देखूं तो कुछ चीज़ों पे है कि आपको अभी रिटर्न दिखेगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये बजट एक ऐसे टर्म पे, जैसे भी मैंने लास्ट दो तीन बजट की भी मैं बात करूं, तो मोदी गवर्नमेंट के बजट कुछ ऐसे रहते हैं जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देते हैं। अभी आपको लगेगा कोई बेनिफिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं GST का बात करती हूँ। GST स्टार्टिंग में लगा तो लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, लेकिन आज अगर आप देखोगे कि जो लोग पहले ड्यूअल टैक्सेशन का शिकार हो रहे थे, एक टैक्स दिया दूसरा टैक्स दिया, पहले सर्विस टैक्स दे रहे हैं कुछ पे, एक्साइज टैक्स दे रहे हैं, फिर कस्टम्स लगा हुआ है उस पर, तो दो तीन टैक्स टाइप के टैक्सेस होते हैं, वैट लग जाता था। अभी क्या है कि आपका एक टैक्स लगने के बाद आपको बाद में उसका ITC का इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब कि जो टैक्स पहले लगा हुआ है, अगर आप उसको किसी प्रोडक्ट को आगे सेल कर रहे हो तो जो पुराना टैक्स लगा उसकी छूट मिल जाती है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे, आप GST स्मूथ भी होता जा रहा है। लेकिन ये जो बजट पेश हो रहा है, ये हम पिछले 3 बार का बजट या 4 बार का बजट हम देखें, तो हर बार बजट में आगामी 5 साल के लिए, आगामी 3 साल के लिए, आगामी 2 सालों के लिए, जो आप कह रही थी लॉन्ग टर्म, इसके लिए ही प्रावधान है, और उसके रिजल्ट्स आने में कोई भी व्यक्ति अधीर होता है। तो अगर अभी मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें, तो आम आदमी को अभी मौजूदा स्थिति में कितनी राहत मिलती है? आम आदमी को मौजूदा स्थिति में बहुत ज़्यादा राहत नहीं है, इसलिए लोगों का ये ओपिनियन आ रहा है कि बजट मेरे लेवल का तो नहीं है, ना मुझे बजट समझ में आया है। तो उसमें क्या है कि अगर मैं आम आदमी की अभी की राहत की बात करूँ, तो थोड़ा सा इन लोगों ने क्या है, अगर टैक्सेशन पर बात करूँ, तो इन लोगों ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया, जो कि एक सैलरी क्लास पीपल को मिलती ही है। अगर उनकी इनकम है तो उसमें से वो मान के चल रहे कि इनकम में से 50,000 आपको डिडक्ट के जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उस पर टैक्स लगाएंगे। तो उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया, जो कि एक बेनिफिट दिख रहा है। लेकिन साथ में इन्होंने क्या किया, लोगों को नेगेटिव क्यों लग रहे, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया है, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम जो पहले हुआ करती थी उसमें क्लियरली मेंशन था, बहुत कंफ्यूजिंग है टैक्सेशन, बहुत कंफ्यूजिंग है। हमारे जो दर्शक हैं उनको ये समझ में आना चाहिए। आपने स्टैंडर्ड भी बताया, आपने कुछ 50,000 भी बताया, 75,000 का आंकड़ा बता दिया, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं, एक चीज और मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, ये 7 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रिजीम वाला मामला था, ये न्यू पुराना न्यू टैक्स रिजीम, सॉरी न्यू में था, ओल्ड में 5 लाख के आसपास था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 5, और फिर आज जो घोषणा हुई उसमें 3 लाख बताया, फिर 3 से 7 लाख में अलग
ये क्या है, ये कुछ समझाइए ना। वैसे हर बार जब भी बजट पेश होता है तो ये बोला जाता है कि हम टैक्सेशन को और इजी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं। अभी क्या हुआ, पहले न्यू टैक्स रिजीम जो पुराने वाली चली है, आज की छोड़ के जो पुरानी चल रही थी, उसमें क्लियर कट मेंशन था 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वो एक सिंप्लीफिकेशन था। लेकिन अगर वापस, अब इन्होंने वापस से कॉम्प्लिकेशन कर दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ एक बढ़ा दी लेकिन कॉम्प्लिकेशन कर दिया, 0 से 3 पे कुछ नहीं होगा, 3 से 7 पे फिर से 5% टैक्स, तो फिर वही कन्फ्यूजन वापस से हो गया। और अब तो 3 लाख के बाद टैक्स लगने लग जाएगा, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 7 लाख से ऊपर से मैं बचत हो रही नहीं हो रही। हाँ, अगर मैं बात करूँ जैसे अभी लोगों को नेगेटिव कुछ एक लोग जो जिनको 87A का एक सेक्शन होता है उसमें छूट मिलती है, तो उसका कुछ आइडिया नहीं होगा, तो मैं बता दूँ जैसे 3 लाख से 7 लाख पे जो टैक्स बनेगा वो 5% की रेट से बनता है। समझिए इस बात को, बहुत समझना जरूरी है। 5% मैं मान के चल रही हूँ कि मेरी 7 लाख इनकम है इस टाइम पर, 7.5 मैं मान के चलती हूँ, मेरी 7.5 लाख इनकम है, तो 0 से 3% जो 0 से 3 लाख की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगा। 3 लाख से 7.5 लाख वाली जो इनकम है उस पर टैक्स लगेगा 5% की रेट से। बट क्योंकि 7.5 लाख में से 50,000 का गवर्नमेंट अभी बोल रही है डिडक्शन है, उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया, तो अभी रिमेनिंग अमाउंट में से जो वो 75,000 घट जाएगा, जो बचेगा अमाउंट उस पर टैक्स लगेगा 5% से। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रही हूँ, अगर मैं अराउंड मानती हूँ तो 20,000 या 17,500 के आसपास का टैक्स बनता है, लेकिन 87A की एक रिबेट होती है जिसमें आपको पूरी रिबेट मिल जाएगी, जिसकी इनकम 7 लाख तक है उसको 25,000 रुपये की रिबेट मिलती है, तो ऑलरेडी आपका टैक्स 17,500 या 20,000 बन रहे, लेकिन 87A की रिबेट आपके पास अवेलेबल है 25,000, तो वो कट जाएगी, तो रिमेनिंग 7 लाख या 7.5 लाख की इनकम पे टैक्स आज भी जीरो है। आज भी जीरो, देखिए बहुत आसान भाषा में आपने इसको समझ लिया होगा, लेकिन मैं फिर वापस आ रहा हूँ क्योंकि आप तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। ये बजट से, ये टैक्स में छूट से ज़्यादा एक मिडिल क्लास को ऐसा लगता है कि उसकी सेविंग्स ज़्यादा होना चाहिए। कई सारे ATC है, ATD है और भी सारे हैं, खासतौर पर ATC में, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ और गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए था, उसकी जो तय लिमिट है उस लिमिट को बढ़ा के 3 लाख तक कर देना चाहिए था? एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो ओल्ड रिजीम थी उसमें सारी जितनी भी डिडक्शंस इन्वेस्टमेंट के लिए डिडक्शंस अवेलेबल होती थी वो सिर्फ ओल्ड रिजीम में होती थी, जो भी पुरानी न्यू रिजीम है उसमें भी कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती थी। तो अगर हम बात करें कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर कोई चेंज हुआ भी है तो उसमें अगर 80C की डिडक्शन बढ़ भी जाएगी तो कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला, क्योंकि 80C का डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल ही नहीं है। और एक चीज़ आपने नोटिस करा होगा कि गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही चेंजेस करे हैं, इसका क्या पर्पस है? गवर्नमेंट चाहती है कि ओल्ड टैक्स रिजीम अबोलिश हो जाए और लोग न्यू टैक्स रिजीम को अपनाएं। भाई वो नया लाया इसलिए गया कि भाई कोई नई चीज आप ला रहे हैं तो स्वाभाविक है कि दूसरी चीज को आपको उसको रिप्लेस करना है, भले धीरे-धीरे ही सही रिप्लेस किया जाए। महिलाओं की बात कर लेंगे। हां ठीक है, आप कुछ एक और चीज और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि 7.5 लाख वाले इनकम लोगों के लिए तो ठीक है, उनको दिख रहा है कि हमें बेनिफिट हो रहा है, बट अगर आप जरा सा ऊपर जा रहे हो 7 से 10 लाख के स्लैब में जा रहे हो तो आप 10% के रेट में जा रहे हो, वहां आपका टैक्स इंक्रीज हो गया। अगर मैं ओल्ड के कंपैरिजन में न्यू जो अब नई आई है वहां पे अगर आप 10 लाख से ऊपर जा रहे हो तो टैक्स बर्डन अगेन आपके ऊपर आएगा। यानी कि अगर किसी की सैलरी 70-80 हज़ार है तो इसके लिए मुश्किल बढ़ती है, मुश्किल बढ़नी है। देखिए ये एक और चीज़ है, एक चीज़ और है, चूंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि भाई इतना सब झंझावात तो है, गवर्नमेंट ले आई, टैक्स भी लग रहा है, सब कुछ कर रहा है, मिडिल क्लास अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट करे? वेल्थ क्रिएशन के लिए देखो मेन आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना, बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा रख रहे हो आपको 3% 4% इंटरेस्ट मिलता है हार्डली, तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आप पैसे से ही पैसा कमा सकते हो, क्योंकि जॉब आप एक ही कर सकते हो, तो एक जॉब से जो आप अर्निंग हो रही है अपना एक प्रॉपर, जैसे गवर्नमेंट बजट बना रही है ना, आप लोगों को भी अपना एक प्रॉपर बजट बनाना चाहिए, आपको जितनी इनकम आई है उसमें से अपने एक्सपेंडिचर्स को डिफाइन करो कि क्या करना है, कितना लिमिट रखना है, एंड देन जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है उसको सेविंग जरूर करनी है अपनी, सेविंग के बाद बच नहीं रहा है। बच्चों की स्कूल की फीस महंगी होती जा रही है, कोई अगर रेंट पे है तो रेंट महंगा होता जा रहा है, होम लोन मकान महंगे होते जा रहे हैं, तो उसमें बचत कैसे ये होगी? बात गवर्नमेंट, हर व्यक्ति एक मिडिल क्लास का सपना होता है कि वो मकान बना ले, करेक्ट, कैसे भी करके जीवन एक ही सपना है कि उसका मकान खुद का मकान हो जाए, कैसे हो जाए? यही तो, ये चीज गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी। आप खुद सोचिए कि
अभी अगर ओल्ड रिजिम अभी भी चल रही है, लेकिन 80C की डिडक्शन इट्स बीन अराउंड 8 ईयर्स कि वो आज तक 1.5 लाख ही है, जब से मैं पढ़ती हुई आ रही हूँ वो 1.5 लाख ही है, वो कभी इंक्रीज़ नहीं हुई है, और अगर इंक्रीज़ होती भी तो वो बहुत माइन्यूटली इंक्रीज़ होती है। बट आप अगर देखो इन्फ्लेशन रेट हर साल 7% 8% से बढ़ रहा है, तो जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों की अर्निंग भी बढ़ रही है। अब आप उस टैक्स स्लैब को वो पुराने ट्रेडिशनल ज़माने का बना के रखोगे, आज भी आपने जो रिलीज़ करा कुछ सोच समझ के करना चाहिए, 3 लाख का स्लैब रखे कि 3 लाख पे कुछ नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इससे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा है। इट्स काइंड ऑफ कि आपने ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात जो होती है कि दिखाने के लिए बहुत कुछ है बट एक्चुअल में कुछ बेनिफिट, दिखाने के लिए बहुत कुछ है एक्चुअल में कुछ नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ इस बजट में नजर आता है, ये भी एक्सपर्ट कह रहे हैं। लेकिन अब बात रोजगार की कर लेते हैं, रोजगार के लिए भी बहुत सारे इसमें बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं कि भाई आपको नौकरी भी मिलेगी, जॉब्स भी मिलेंगे, ESIC में भी आपको, और भी सारी EPFO में के लिए भी घोषणा की गई, क्या है ये और कैसे फ़ायदा होगा आम लोगों को? मेनली जो बजट का फोकस रहा है इस बार गवर्नमेंट का वो पुअर लोगों पर, वेमेंस पर, एग्रीकल्चर पर और ये यूथ पर, मतलब फार्मर और यूथ पर रहा है। तो यूथ के लिए जो इन लोगों ने किया है उसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन करे कि जो लोगों के पास रोजगार नहीं है हम उनको यूथ के लिए एक मेन चीज़ थी रोजगार दिलाने की भी बात की गई है, बट वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे होगा, वो इनडायरेक्टली ही होगा, सामने से एकदम से ये गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकल रही हैं मार्केट में, बट इनडायरेक्टली है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अपने फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्ट जो कॉर्पोरेट टैक्स था, फॉरन टैक्स जो टैक्स लगता था वो 40% लगता था, अभी उसको रिड्यूस करके 30% कर दिया है, तो उससे क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ेगा, जब FDI बढ़ेगा तो जो लोग हैं वो बाहर से आके इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। FDI को बढ़ाने के लिए पहले भी सरकार ने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास करे, अभी क्या हो रहा है जब आप टैक्स रेट कट करोगे तो बाहर की जो कंपनीज हैं वो इंडिया में आएंगी, वो अपना यहाँ पे लॉन्च करेंगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो इनडायरेक्टली ऐसे यूथ को फायदा होगा कि यहाँ पे जॉब जनरेट होगी। नौकरियों के लिए कहीं कुछ नहीं है, नहीं ऐसे स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए और उनको भी आप शुरुआत में आप ये कह सकते हैं कि कुछ ट्रेनिंग देने के लिए स्टाइपेंड टाइप कुछ उनको मिलेगा। इसी दौरान मुझे याद आ रहा है, अगर आपको भी याद हो लाडला भाई, अभी महाराष्ट्र में सरकार ने लाडला भाई योजना एक प्रकार से लॉन्च की और उसमें भी उन्होंने कहा है कि पैसे मिलेंगे आपको जाकर और इंटर्नशिप जैसा कुछ आपको कंपनीज में करना होगा, ऐसा ही कुछ ये भी है एक फॉर्मूला मे बी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये भी बात की गई है कि जो पहली बार नौकरी करेगा उसको फर्स्ट मतलब कि 3 टर्म में 15,000 रुपये दिए जाएंगे EPFO की तरफ से, तो ये काइंड ऑफ मुझे लगता है कि ये इंकरेज कर रहा है लोगों को ताकि यूथ काम करने के लिए वो हो। और सबसे बेस्ट जो अच्छी चीज़ इसमें मुझे लगी है कि एजुकेशन लोन इजीली प्रोवाइड होगा, जब एजुकेशन लोन बहुत सारे आप रूरल एरिया में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो अगर फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो जाएगा तो शायद यूथ पढ़ेगा और पढ़ेगा तो जॉब मार्केट में आके उनको मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। और आज के टाइम में मोदी गवर्नमेंट का मेन फोकस है स्टार्टअप स्टार्ट करो, और किसी बंदे के अंदर अगर कोई एक पर्टिकुलर स्किल होती है तो आज के टाइम में इंटरनेट का जमाना है, उस स्किल को यूज करके वो कहीं भी किसी लेवल तक भी कमा सकते हैं। लेकिन वो 3% का वाउचर वाला जो आपने एजुकेशनल लोन का बताया, ये वाउचर के बजाय और कुछ किया जा सकता था, ये वाउचर दिया जाएगा कितने टाइम के लिए दिया जाएगा, एजुकेशनल लोन जो लेना चाहते हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा प्रोसेस भी थोड़ा सा समझाइए और ये कैसे, ये वाउचर कैसे काम करेगा ये भी बताइए। वाउचर में जो मुझे अभी समझ में आया है कि वो ये है कि 15,000 रुपये जब फर्स्ट आपका इनकम आएगा तो उसके थ्रू EPFO के थ्रू वो एडिशनली दिया जाएगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो डायरेक्ट बेनिफिट आपके हाथ में नहीं आ रहा, वो आपके EPFO अकाउंट में जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि होगी कि मतलब कि आपका आगे क्वेश्चन था, मेरा सवाल ये था कि एजुकेशनल लोन के लिए 3% का जो वाउचर की बात कही गई है कि 3% का वाउचर शायद एजुकेशनल लोन में वेव ऑफ होगा 3% गवर्नमेंट की तरफ से, उसको मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो क्या चीज़ है और कोई भी अगर बच्चा एजुकेशनल लोन की आपने बात की तो अप्लाई करे कैसे करे, फादर मदर दोनों को पता होना चाहिए कैसे करें बोले? डायरेक्ट बैंक में जाके, क्योंकि अभी जब स्कीम लॉन्च हो जाएगी जैसे ये चीज़ें सब पास हो जाएंगी तो बैंक्स में एक स्पेसिफिकली जैसे एजुकेशन लोन पहले भी अवेलेबल है तो ऐसे ही एक स्पेसिफिक लाइन आइटम बन जाएगा कि जब जाके डायरेक्टली बोल सकते हो कि इस स्कीम के अंदर में जाके मुझे एजुकेशन चाहिए, तो वहाँ पे आपको शेयर टैक्स रेट बेनिफिट्स भी मिलेंगे, कम इंटरेस्ट पे आपको एजुकेशन लोन अवेलेबल हो जाएगा, उसके थ्रू आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन ये था कि कैसे और बेहतर कर सकते थे इसको, तो कहीं कहीं पे मुझे ऐसे लगे कि फ्री भी, जैसे आपने
मैंने अभी एक पीछे एग्जांपल दिया था कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम पैसा देंगे, तो ये काइंड ऑफ फ्रीबीज चीज होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, तो इससे बच्चा मोटिवेट नहीं होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने एजुकेशन लिया है तो एजुकेशन लोन लिया है तो वो उसको रीपे करने के लिए अपना 1000 कोशिश करेगा कि मैं उसको रीपे करूँ और खुद अर्न करूँ। इसमें एक चीज और आपने दूसरी की, जब जॉब मिल जाएगा और ये ईपीएफओ में डायरेक्ट पैसा जाएगा तो ईपीएफओ में एक बार आपकी बचत होनी शुरू हो गई तो वो लॉन्ग टर्म लोगों को काम आएगा, तो ये इसीलिए ईपीएफओ इसमें जोड़ा गया है, इसीलिए ईपीएफओ की तरफ से जाया जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा समझाइए कि युवाओं की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई, कड़वी दवा कब तक पिएगा मिडिल क्लास खास तौर पर, क्योंकि गरीबों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं। करेक्ट, मुझे भी हमेशा यही फील आता है कि गवर्नमेंट का फोकस हमेशा गरीब 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 या फिर बहुत कॉर्पोरेट लेवल के अमीर अमीर अमीर, हमेशा पिसता कौन है? मिडिल क्लास। अगर मैंने अभी अपने लिंक्डइन पे एक डाटा डाला था बहुत अच्छे से रिसर्च करके, जिसमें मैं देखती हूँ कि इनकम टैक्स स्लैब में मिडिल क्लास ही मोस्टली आता है अगर मैं बात करूँ, बाकी बड़े लोग तो बिजनेस कर रहे हैं। तो हम लोग अगर बात करें तो रेवेन्यू जो स्ट्रीम है गवर्नमेंट का, उसमें बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इनकम टैक्स से आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से भी आता है। दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेशन होता है जो हम लोगों की सैलरी से जो पैसा कटता है वो वाला टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्सेशन हम लोगों की पार्ट से कटता है वो बहुत बड़ा अमाउंट है, वो बहुत बड़ा अमाउंट है उस पर्टिकुलर जो टोटल रेवेन्यू है। लेकिन कितने परसेंट लोग, सिर्फ 1.62% लोग पूरा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कम से कम 70% गवर्नमेंट का। ये मैंने समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा डेटा है, 1.62%। यस, अगर ये डेटा आपको चाहिए तो मैंने अपने पास रखा हुआ है, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे मैंने डाला हुआ है पूरे एनालिसिस करके, और मैंने पूरा कोई गलत रिसोर्सेस से नहीं उठा, पूरा गवर्नमेंट की साइट से डेटा उठा के वो मैंने बनाया हुआ है। तो उसमें ये आपको पता चल सकता है कि आप इतना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो मिडिल क्लास होके गवर्नमेंट के लिए, पूरा आप एक टाइप से ये लग रहा है कि इकोनॉमी ही आप चला रहे हो, बट हम लोगों को स्पेसिफिक कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लिए राशन की योजना सरकार चला रही है, उनके लिए इलाज की योजना भी सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड के तहत चलाई जा रही है, और भी चीज़ें उनको मिल रही है, बीमे को लेकर भी चलाया जा रहा है। मिडिल क्लास को अगर अपना बीमा लेना है तो खुद उसको खरीदना है, वो भी महंगा है, उसके ऊपर भी टैक्स है। इसके अलावा मेडिक्लेम लेना है तो मेडिक्लेम के लिए भी, टर्म इंश्योरेंस लेना है उसके लिए भी, इसके अलावा खाने पीने का तो खुद को देखना ही देखना। एक सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे जो मैं बोलना चाहूँगी कि पहले क्या होता था, 80 ओल्ड टैक्स रिजीम में लोगों को लगता था कि हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हम अपना टैक्स बचा लेंगे, अब तो वो ऑप्शन ही खत्म कर दिया न्यू टैक्स रिजीम में। अगर हमारे पास पैसा बच भी रहा है तो हम उसका क्या करें? तो गवर्नमेंट, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, गवर्नमेंट करवाना क्या चाह रही है? एक और चीज, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो भी इंश्योरेंस में डाल रहे हैं या कहीं पर डाल रहे हैं, तो वो तो टैक्सेबल है। टैक्सेबल, अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें आज भी लोगों को लगता है कि रिपीटेटिव टैक्सेशन नहीं है, बहुत सारी, मेरी सैलरी में से पैसा कट गया, एक डिडक्शन वहां हुआ, अब मैंने उस पैसे से कोई सामान खरीदा वहां पे उस पैसे पे टैक्स लगा, मतलब जो मैंने सामान खरीदा उस पे भी टैक्स लगा हुआ है, तो हर चीज पे टैक्स लगा हुआ है। मैंने वहां पे टैक्स ऑलरेडी दे चुकी सारी इनकम। आप ज्यादा खुश नहीं है? मैं मतलब बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत से जैसे वुमेन्स के लिए लेके आए, एक चीज जो इन्होंने मिडिल क्लास के लिए इस बार अच्छी करी है, वो इन्होंने बोला कि जैसे गरीब लोगों के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज लेके आते थे कि प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, इस बार इन्होंने बोला कि मिडिल क्लास के लिए भी काइंड ऑफ कुछ ऐसी स्कीम आएगी। लेट्स सी फाइनलाइज क्या होगा और कब तक ये आती है, स्कीम आएगी, ठीक है। लेकिन इस बीच आज जब बजट पेश किया जा रहा था तो मार्केट का रिस्पांस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, और मार्केट का रिस्पांस क्यों अच्छा नहीं रहा इसको समझते हैं अंशिका जी से, क्यों मार्केट ने ऐसा बिहेव किया, अचानक से धड़ाधड़ गिरता चला गया? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, आने वाले 2-3 दिनों में भी ऐसे ही मार्केट का रिस्पांस हो सकता है। तो इसका अगर मैं रिस्पांस दूं तो पहली चीज, सबसे बड़ी, मार्केट का नेगेटिव रिस्पांस क्यों रहा है ऐसा, अगर मैंने जब मार्केट एनालाइज किया था, मैं फ्राइडे से मार्केट को एनालाइज कर रही हूं, तो जब भी कोई बजट आने वाला होता है तो उससे कम से कम 30 दिन पहले मार्केट अपना रिस्पांस स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर मैं बहुत पास आके भी देखूं, तो मैंने फ्राइडे से अगर एनालाइज करना स्टार्ट किया तो फ्राइडे में भी मार्केट डाउन गया था, मंडे में भी मार्केट स्टार्ट होते के साथ ही डाउन गया है, फाइनल रिजल्ट उसका डाउन था। ट्यूजडे में आज जो मार्केट स्टार्ट ही हुआ था तो वो डाउन से स्टार्ट हुआ था, बजट 11 बजे हुआ है लेकिन मार्केट 9:15 पे खुल गया, उस टाइम पे भी डाउन गया हुआ था। तो लोगों को पहले से ही था कि मार्केट बजट में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं आने वाला, एक्सपेक्टेशन लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं लेकिन उनको पता है कि एक्चुअल में चीज़ें नहीं निकल के आती हैं। और जो मार्केट डाउन जाने का सबसे बड़ा रीज़न है आफ्टर बजट,
क्योंकि मेन जब हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको बेच के निकालते हैं, पैसा खरीदा बेचा, बेच जो हमें प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्सेशन लगता है, हमारा कैपिटल गेन। तो दो टाइप के टैक्सेशन लगते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब लगता है, जब हमने कोई भी जो भी इक्विटी जो भी शेयर्स खरीदे हैं उनको एक साल से कम होल्ड करके रखा हुआ है, या कुछ सिनेरियोज में दो साल भी हो जाता है। तो अगर हमने उससे कम समय में लेवा बेची कर दी तो उस पर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 15% टैक्स लगता था, लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने उस कुछ फाइनेंशियल एसेट्स पे उसको इंक्रीज करके 20% कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि फ्यूचर लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, एक फ्यूचर एंड ऑप्शन पे भी टैक्सेशन। जैसे सरकार बजट बना रही है वैसे लोग भी ऐसी ही कुछ प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए कर लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन वहाँ तो टैक्स भी लग जा रहा है। लॉन्ग टर्म में भी उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सारे फाइनेंशियल एसेट्स पे ये नहीं करा है, तो कुछ नॉन फाइनेंशियल और कुछ फाइनेंशियल एसेट्स पे इन्होंने टैक्स रेट्स इंक्रीज करे हैं, जो कि पहले 10% हुआ करता था उसको 12.5%, लेकिन शॉर्ट टर्म में फुल पे 20% कर दिया है, 15% से बढ़ा के 20%, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ पे करा है। तो इसलिए गवर्नमेंट का मेन मोटिव है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। महंगा सस्ता का आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए आम लोग तो अभी भी उनके दिमाग में भले ही ये मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से रेल बजट उन्होंने अलग से पेश करना बंद कर दिया और भी चीज़ें हैं, लेकिन आम लोग तो अभी भी इसी तरह नज़रिए से देखते हैं कि क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ। आप ये बताओ हमको खरीदना है, मोबाइल सस्ता हो गया, मोबाइल के चार्जर सस्ते हुए हैं, मोबाइल सस्ता नहीं हुआ है। तो बहुत लिमिटेड आइटम्स को डिस्क्लोज किया गया है कि किस पे कम हुआ है किस पे ज़्यादा हुआ है। इस बार इन लोगों ने फोकस जो करा है वो आप देखोगे गोल्ड प्लैटिनम इन सब पे फोकस किया है, उस पर कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करी है, विच क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे वुमेन्स को फ़ायदा होगा क्योंकि वुमेन्स का फेवरेट लिस्ट में आता है गोल्ड। तो यहाँ पे अभी गोल्ड सस्ता होने के चांसेस हैं, क्योंकि जब कस्टम ड्यूटी रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो एक्चुअल में आएगा बाहर से गोल्ड तो वो कम रेट पर आएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी समझने की बात है, जब गोल्ड और जो स्टॉक मार्केट है वो रिवर्स रिएक्ट करते हैं हमेशा, जब गोल्ड सस्ता होगा तो स्टॉक मार्केट अप जाएगा, क्योंकि लोगों का मतलब कि ये ऐसा माना जाता है रिवर्स रिलेशन। ऐसा हुआ नहीं, गोल्ड सस्ता हुआ, हाँ ऐसा हुआ नहीं है, हाँ आज हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि ये कुछ टाइम बाद, ये मार्केट का जो आज डाउन है ना ये सिर्फ एक या दो दिन के लिए, बाद में मार्केट फिर से स्टेबल हो जाएगा नॉर्मली। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि मार्केट स्टेबल होने वाला है, तो ख़ास तौर पर जो ट्रेडिंग का काम करते हैं उनके लिए ये समझने की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में दो तीन दिन बाद शायद मार्केट वापस एक जैसा हो जाए, इस तरीके से जिस तरीके से उसने बिहेव अभी किया है वैसा ना हो, क्योंकि अभी और बजट को समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे उसकी परतें खुलती जाएंगी वैसे वैसे आपको समझ में आने लग जाएगा। कुछ एक और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जिस जिन जिन अगर लोग ट्रेडिंग के पर्पज से सोच रहे हैं तो जो जो इन जिस जिस सेक्टर में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करा है वो सेक्टर बूम होने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो रेट्स पे एक तो लोन प्रोवाइड कराना, बहुत सारी उनको फैसिलिटी दी गई है, तो इससे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है FMCG इंडस्ट्री पे। तो FMCG से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडस्ट्री में, तो उन लोगों उनके जो प्राइसेस हैं वो अप जाने के चांसेस हैं। दूसरा वुमेन डेवलपमेंट में रूरल, जैसे एक ये भी बात आई है कि वुमेन्स अगर अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदेंगी तो उनको हम एडिशनल बेनिफिट देंगे मतलब कि, और दूसरा STT जो एक होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, उसको भी कम करने की बात की गई थी, और एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इट इज़ रिलेटेड टू टैक्सेशन कैपिटल गेन जो भी विच वी आर डूइंग एनी लाइक मार्केट में जो भी हम लेवा बेची करें उस पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स उसमें वहाँ पे रिडक्शन करें, तो ये एक बेनिफिट है कैपिटल मार्केट जो शेयर मार्केट की तरफ से। प्रॉपर्टी में मिस अंडरस्टूड हो गया वो चीज़, तो प्रॉपर्टी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनका भी बढ़ने के चांसेस हैं। दूसरा एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर है ग्रीन, आजकल के टाइम पे ना गवर्नमेंट का मेन फोकस जो रहा है वो ग्रीन इंडस्ट्रीज पर है, लाइक विंड मिल्स के थ्रू एनर्जी जनरेट करना, सोलर पैनल के थ्रू, वो इन चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, तो इन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस का बूम पे जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे हाईलाइट हुआ है, आपने देखोगा पिछले कुछ बजट्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस था, लेकिन इस बजट में नथिंग। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका ये इम्पैक्ट है US का, US में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा काम नहीं कर पाए हैं। रीज़न बहुत ज़्यादा डिग आउट करके जानने की ज़रूरत है क्यों, तो मुझे उसी का इम्पैक्ट लग रहा है कि इन्होंने EV के लिए थोड़ा सा भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है अपने बजट में। ईवी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कुछ भी नहीं, ग्रीनरी जबकि फोकस में है, हाँ ग्रीनरी कुछ नहीं किया है। क्या जो परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल
का होता था या हम देखें उम्मीद कर रहे थे वैसा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला इसके शायद ये एक रीज़न हो सकता है। और सबसे बड़ा नॉर्मली क्या होता है ना, मार्केट एक चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं करता, मार्केट सारी चीज़ों को एनालाइज करके। और कहीं ना कहीं ये मैंने थोड़ा एक स्टडी किया था तो US में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अगर जितने भी स्टॉक्स हैं क्या रीज़न रहा है क्या नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन करके नहीं मुझे आइडिया है, बट हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स US में अच्छा परफॉर्म नहीं करें और US की मार्केट का हमारे इंडियन मार्केट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी वो चीज़ नोटिस करी है, मे बी गवर्नमेंट नॉट आउट द रीजंस कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, शायद इस वजह से उन्होंने अपना कोई बजट का। और मैंने बजट में गौर की और ये बजट चूँकि तीसरी बार तीसरी टर्म में मोदी जी जब आए हैं तो साथ में उनके सहयोगी भी हैं और इसीलिए बजट तो देश का है लेकिन दो राज्यों का खास उल्लेख किया गया, तो ये क्यों हुआ, कैसे दूसरे लोगों को दूसरे राज्य के लोगों को बुरा नहीं लगेगा? डेफिनेटली लगा हुआ है, जब ऑपोजिशन पार्टीज़ के डिफरेंट कमेंट्स आ रहे हैं कि क्योंकि इनको अपनी सरकार मेंटेन करनी है इसलिए इन लोगों ने स्पेसिफिकली बिहार के लिए आंध्र प्रदेश के लिए निकाला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों को इम्पैक्ट कर रहा है डेफिनेटली। और शायद इसका ये प्रोपागेंडा था भी क्योंकि नॉर्मली होता है हर किसी को अपना 5 years का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, तो उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए क्योंकि आपको पता है जब गठबंधन से सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं वो टूटने के चांसेस होते हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए शायद उन्होंने स्पेशली उन लोगों के लिए कुछ एडवांसमेंट प्रोवाइड किया। लेकिन खेती किसानी, क्योंकि देखिए हमारा भारत आज भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है और आपने कहा कि एग्रीकल्चर पर फोकस अच्छा किया गया, किसान को क्या फ़ायदा होने वाला है आसान भाषा में समझें? किसानों को अगर मैं फ़ायदे की बात बोलूँ तो उसमें कुछ टाइप ऑफ मतलब कि कुछ एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट पैसा डायरेक्ट बैंक में भेजती है, कुछ अमाउंट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है बट कुछ अमाउंट, जैसे मेरे खुद के पापा फार्मर हैं तो उनको कुछ एडिशनली अमाउंट उनके उसमें आता है एज अ क्या उसको वर्ड मुझे बोलना चाहिए, भत्ता टाइप से बोल दूँ, तो वो एक उनको बेनिफिट है, बट वो अमाउंट उतना भी बड़ा नहीं होता है आज के टाइम में कि आप अपना पूरा उससे खर्चा चला दो, दैट इज 2000 या 4000 अमाउंट। 5 साल के लिए, आगामी 5 साल के लिए सरकार प्लान कर रही है, उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। सरकार ने कहा था खेती किसानी को लाभ का धंधा हम बनाएंगे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये जो है किसान के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि और चीज़ें महंगी हो रही है, खाद महंगी होती जा रही है, किसानी के खेती किसानी के सामान महंगे होते जा रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स भी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे फिर वो लाभ का धंधा और एग्रीकल्चर के लिए जो काम किया है फिर कैसे देखती हैं? नॉर्मली हर गवर्नमेंट का एजेंडा ऐसे होता है कि आप चीज़ें जो प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत अच्छी दिखनी चाहिए बट एक्चुअल में उसके अंदर रिजल्ट हो ना हो, तो वही चीज़ें होती है बजट में, यही चीज़ें मोस्टली होता है कि आपके सामने प्रेजेंट ऐसा किया जाता है एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया तो everyone इज़ थिंकिंग अबाउट कि एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा हुआ है, बट डायरेक्टली अगर हम देख रहे हैं तो कोई कैश बेनिफिट डायरेक्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। जितने भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है वो जो अमाउंट बड़ा बड़ा अमाउंट बोला जाता है वो डायरेक्ट कहीं पर किसी को बेनिफिट नहीं मिलता है, वो इनडायरेक्टली ही बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2000 कैश का बेनिफिट अगर फार्मर्स को अगर मैं बात करूँ तो फिर वो जो उनके अकाउंट में 2000 या 4000 जाते हैं, सिर्फ वही अमाउंट होते हैं और आज के टाइम में 2000-4000 में कुछ नहीं होता मैं जो मानती हूँ कुछ। हाँ बट ये ऐसे कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग्स पे बात करी है तो ट्रेनिंग फोकस कर दिया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ग्राउंड लेवल पे क्योंकि मेरे खुद के पापा फार्मर हैं मैंने आज तक उनको कोई ट्रेनिंग लेते हुए नहीं देखा है, तो ये चीज़ होती है कि गवर्नमेंट करती भी है और कुछ लेती है ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे पहुँचती भी नहीं है आधी से ज़्यादा चीज़ें, गवर्नमेंट करती है बट आधी से ज़्यादा चीज़ें। आज सरकार ने एक और घोषणा की है कि हम फल और सब्जियों के लिए लोकल क्लस्टर डेवलप करने वाला काम करेंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। अगर मौसम जब बिगड़ता है या कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा सीधा इसका असर लोगों की जेब पर पड़ता है, महंगाई इससे बढ़ जाती है बहुत तेज़ी से, तो उम्मीद करना चाहिए कि ये जो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, अच्छा बजट भी कहा जा रहा है, मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला लेकिन सरकार ने कुछ तो दिया है, ओवरऑल अगर इस 2024-25 के लिए बजट जो हुआ है कैसे आप इसे अगर देखेंगे, इसको समअप करना चाहेंगे तो कैसे समअप करेंगे? मैं सिंपली बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया है इन टर्म्स, अगर मैं डायरेक्ट बेनिफिट्स की बात करूँ डायरेक्ट बेनिफिट्स सच में कुछ नहीं है। आपको लगा न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गया है, ये हुआ है वो हुआ है, बट वो कहीं ना कहीं वही चीज़ पुरानी है क्योंकि जैसे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया स्लैब रेट चेंज कर दिया तो उसका इम्पैक्ट वही बनेगा। ऑलमोस्ट ये सारी बातें वैसे भी इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आनी है क्योंकि जब तक टैक्स तो आपने फाइल कर दिया अभी अगले साल जब फाइल करेंगे तब तक फिर नया कुछ आ जाएगा, फिर नई उम्मीद पालेंगे। खैर
कुल मिलाकर हमने ये समझा कि बजट में क्या कुछ है, किस वर्ग के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, कैसे लोगों को इससे फ़ायदा भी मिल सकता है और जो उम्मीदें थी क्या वो पूरी हो पाएँ। उम्मीद करते हैं कि सारे सवालों के जवाब आपको हमारी इस चर्चा से मिले होंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे और अंशिका जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।